दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया। मैं विभू कुमार झा। लोकसभा चुनाव जो है जबरदस्त जोरों शोरों से चल रही है और ऐसे में हर लोगों की आजादी है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, हर लोग अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखता है। ऐसे में हमारे साथ चाचा हैं जो बुजुर्ग हैं और अपनी बातों को रखना चाहते हैं। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? ओम प्रकाश पासवा। ओम प्रकाश जी, ये बताइए कि आप की राजनीति की बात करें और लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में लोकसभा चुनाव जो 2024 होने वाला है, किसके सपोर्ट में आप खड़ा हैं? अभी तो हम सिर्फ मोदी के सपोर्ट में हैं, भाजपा के सपोर्ट में नहीं। पटना साहिब से हम खुद लड़ रहे हैं, हमारे जनता जान पहचान के एमपी मंत्री सबसे चर्चा चल रहा है। अभी चिराग से बात, साहिब से तो रविशंकर प्रसाद है, कोई हर्जा नहीं। हम उनसे डरने वाले थोड़े हैं। अच्छा, वो क्या किए हैं आज तक हमारे लिए? बराबर उनके यहाँ दौड़े एप्लीकेशन, कुछ नहीं। तो बड़े लेवल पे मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, रहने से क्या हुआ? मेरे पास ये देखिए, ये योजना से गरीबों का क्या लाभ है? अच्छा, इससे गरीबों को रोटी मिल रहा? ये सारा योजना गरीब जो नहीं मिला है। बिल्कुल। स्टडी क्या, उन्हीं का आवास। अभी भी क्या क्या काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? जैसे शिक्षा पर, हमारे जहाँ चीना कोठी है, खुलेआम दलित वर्ग का गरीब का पुड़िया, स्मैक जिसे कहा जाता है, वो दारू बिक रहा है। हमने नितिन नवीन को दिया जब पथ मंत्री थे, यहाँ दारूबाजी हर एक तरह का, सब कुछ नहीं हुआ। अभी भी खुलेआम इन तमाम तरह की समस्या पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल। आपका पार्टी कौन सा है? हमारी पार्टी है राष्ट्रीय महात्मा गांधी कांग्रेस। अच्छा, इसके हम राष्ट्रीय नॉमिनेशन किया करेंगे। अभी पटना में निकला है, कहाँ तो प्रचार भी करेंगे आप? निश्चित करेंगे। अच्छा, आप लोग का सहयोग मिलेगा। रविशंकर जी को हरा पाएंगे? बिल्कुल, प्रयास मनोबल। हाँ, पुराना एक कहावत तो है। एक सवाल है चाचा। हाँ बोलिए। मोदी को आप सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन बीजेपी को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मोदी ठीक है लेकिन मोदी का और लोग है, कार्यकर्ता एमपी कोई बात नहीं सुनता है, बोलते हैं तो भाग जाता है। क्या हम, बोलता है? क्योंकि हम नहीं जानते। आप सुनिए, मोदी के कार्यकर्ता क्या गोलघर मंडल का अध्यक्ष है, हम बोले शराब बंद कीजिए, नशा बंद, हमारे बस की बात नहीं सरकार की, तो कैसे भरोसा करेंगे?